सो हेलो गाइस, आज सीखेंगे कि ओनली वन क्लिक में अपने बैकग्राउंड को इरेज कैसे किया जाता है। तो इस वाला वीडियो को इन तक देख लेंगे तो आप भी आसानी से वन क्लिक में अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फोटो एडिटिंग से रिलेटिव वीडियो एंड टिप एंड ट्रिक से रिलेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। सो डन, चलिए अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को आसानी से आप प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो सिंपली से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड जो फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं वो फोटो को ले लेंगे। तो सिंपली से एडिट ए फोटो पे क्लिक करना है, हम वाला फोटो को ले लेंगे। उसके बाद सिंपली से आपको टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से रिसाइज कर लेंगे कि आपका फोटो का क्वालिटी कम ना हो। तो चलिए रिसाइज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से करेंगे एंड 5000 लिख लेंगे। तो सिंपली से 3098 रिकमेंड कर रहा था, सिंपली से डालेंगे 3098, ठीक है। एंड उसके बाद राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो डन हो जाने के बाद सिंपली से आपको डाटा कनेक्शन को ऑन करना है एंड उसके बाद थोड़ा सा स्कोर करेंगे एंड उसके बाद सिंपली से आपको देखिए background.bg का इस पर क्लिक करेंगे ताकि ओनली वन क्लिक में आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। कुछ इस टाइप से देखिए क्लिक किए एंड कुछ प्रोसेस लेगा, कुछ सर्च लेगा एंड उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। हो गया ना मेरे भाई। एंड उसके बाद राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ से सेव मत करना, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से सेव मत करना अपने गैलरी में, नहीं तो आपका फोटो का क्वालिटी कम हो जाएगा। सिंपली से आपको ड्रॉ टूल पे क्लिक करना है एंड ड्रॉ टूल पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेव इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सेव इमेज पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा। अगर आपका फोटो सेव ना हो तो आपको बैक जाना है, कट पर क्लिक करके, सो कट पर क्लिक करके सिंपली से आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से फोटो सेव हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।